ओह गॉड, एक बार दिला दे। 8 बजने वाला है तो अब जितने भी है ना ये हेलो एवरीवन, तो राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार फिलहाल आज हमारा लास्ट पेपर, एकदम लास्ट, एकदम अंतिम, एकदम फुल स्टॉप है आज। तो आज फुल पावर में जाना, एकदम मस्त पेपर देके आना, एकदम तगड़ा वाला। और रिटर्न है आज का पेपर, सबसे बड़ी बात है आज का रिटर्न है। पहले के 4 पेपर थे ना वो तो टिक मार्क वाले थे, तो अच्छे ही किसी तरह। और आज हमारा लास्ट फाइनल रिटर्न का पेपर। तो फिलहाल तो मैं अपने यहाँ पे अग्रवाल है ना, ये वाला अग्रवाल जो अभी खुल रहा है, तो यहाँ पे मैं आ रखा हूँ। और आकाश अभी नहीं आया, मेरे को कॉल किया था आकाश, कॉल किया था कि भाई आ जा 8 बज के, अब 8:30 तक हमें कॉलेज के पास पहुँचना रहता है ना। तो भाई लोग हम कॉलेज से जा रहे हैं, मतलब कॉलेज से हम रोज़ जाते हैं पेपर देने एकदम फॉर्म में। पर पढ़ के क्या ही बोलूँ मैं, पढ़ के तो मैं जा ही रहा हूँ, बस नाम को पढ़ के जा रहा हूँ, ऐसे नहीं पूछ रहा मैं। बता दे चलो, मैं पढ़ा है मतलब ठीक ठाक पढ़ लिया, बस थोड़ा मोड़ा। पर मायने क्या रखता है? मायने ये नहीं रखता कि तुम कितना पढ़ के आ रहे हो, मायने ये रखता है तुम पढ़ते कैसे हो। मैं सही बताऊँ ना, मैं ना कम पढ़ता हूँ पर अच्छे से पढ़ता हूँ। ये नहीं कि मैं पूरे दिन कॉपी किताब लेके खोल के बैठ जाऊँ। अब तुम बोलोगे जब मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ तो मैं अपनी ये बात काटता हूँ। और देखो फिलहाल टाइम हो गया 8 बजने वाला है, तो अब जितने भी है ना ये इधर उधर के, तो सब सब अपने अपनी कंपनी की तरफ निकल लिए। और हम निकल लिए अपनी कंपनी की तरफ अपना दिहाड़ी मारने। यार पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, कुछ बना के लिखना भी आना चाहिए। हाँ ये बात है, ये तो पढ़ते तो बहुत है, अब किसका किसके नाम लो भाई, ब्लॉग देखते हैं तो उनके नाम तो ले नहीं सकता मैं। क्लास में ऐसे बने रहते हैं टीचर, स्कूल वाले आ रहे तो उनके अभी तक नहीं। तू एक बार आवाज लगा बोल। हम अपने आगे अपने सपनों के शहर सेक्टर 62 टन 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 टन। तो पता है हम ऑटो में आते ना, जिस ऑटो में, तो ऐसे ना हम दोनों अपन दोनों आपस में बातें करने लगे कि पेपर के बाद कहीं घूमने चलता है। तो मैंने बोला कि हम चलेंगे वैष्णो देवी, तो एक भैया दिख गए वहीं के वैष्णो देवी के, उनकी बगल में ही बैठे थे। तो ना वो बोल भी ऐसे रहते, तो उन्होंने कहा कि ऐसे वैसे जब बताने लगे ना तब पता चला वो तो जम्मू गई हैं, और सॉरी जम्मू के गई हैं वहीं के क्या कहते हैं अरे वैष्णो देवी के आसपास के। तो हमें बताने लगे कि ऐसे करो ऐसे करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो मतलब कब रास्ता कट गया पता ही चला। तो उन्होंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम भी बताए। हाँ तुम वहीं से MBA करना। फिर उन्होंने हमसे पूछा तुम क्या करते हो, हमने बोला हम पढ़ाई करते भैया BBA कर रहे हैं। तो उन्होंने 3-4 यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे नाम भी बताए, वैष्णो देवी और पता नहीं क्या बाबा करके एक दो नाम बताया। बोला कि अगर तुम आगे पढ़ना होगा ना कहीं तो यहाँ से कर लेना, अच्छी अच्छा कॉलेज है। उन्होंने ठीक है देखेंगे, भगवान चाहेंगे तो वहीं से कर लेंगे, है नहीं। पर अब हाई रैंक से तो भैया नहीं करूँगा। और अपने क्यों कट करूँ, कट नहीं करूँगा, चल नहीं करूँगा। हाँ यार जब देखो तब कट 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 करवाते रहते हैं वीडियो। चलो छोड़, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ओ गॉड, एक बार दिला दे। मजाक गाइस, मजाक। स्कूटी की बात कर रहा था मैं, स्कूटी की। तो हाँ, तो जो मेरे जानने वानने वाले हो ना भैया, उनको भी अब मैं सजेस्ट नहीं करूँगा हाई रैंक। तो वो कुल मिला के अपने कॉलेज के पास तो पहुँच गए, अब बस भगवान से दुआ कि भाई आज सारा सबका पेपर आज बढ़िया जाए। जो जो याद करके आए वो तो पक्का है। हाँ ऐसी लिमिटेड याद करते हैं। अभी तो हमारा पेपर में टाइम है, तो हम आगे अपना अपने जहाँ सेंटर पड़ा है उसके बगल वाले कॉलेज में घूमने। देख रहे हो मैं इसको बार बार दिखाता हूँ आप लोगों को कि देखो कितना बड़ा ग्राउंड है। ये हमारे विनय भाई का एडमिट कार्ड, रोल नंबर देख लो, स्क्रीन शॉट ले लो, और 2-3 महीने बाद ना रिजल्ट देख लेना। कितने बनने वाला थी? 28 बनने वाला है पता नहीं। अरे हाँ, मैं दूसरे पेज में मेरा 28 में जा रहा था क्वेश्चन पर, मैंने कहा चलिए नहीं रोक दे रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। यार मेरा पता क्या हुआ, 28 में बनने पे मैंने 2 बैच शॉट करे हैं, आधे आधे पे, इतना मैंने पहले ही भर दिया था पूरा, पहले से मैं जोड़ के चलता हूँ। मोटा भाई तेरा क्या कहना है
जो पढ़ के बोटी को मुझे भी ले लिया शॉर्ट ब्लॉग कह रहा हूँ मुझे भी ले लिया अगर मैं आई नहीं रहा लेता था वो तुझे थोड़ा धूप में खड़ा स्मार्ट लगेगा ये चित ब्रो तुम अरे ब्रो मैं क्या बताऊँ ये शर्मा गई लगता है ओए होए शर्मा गई का फोन काटती मम्मी आ गई का ए लिखते लिखते क्या हो गया था क्या हो गया अरे साले हो गया हो जाता है यार फिलहाल तो मैं आ गया अपनी छत पे और यार कुछ दिनों से इतनी तेज हवा चल रही है कि यार दिमाग खराब हो गया मेरा इनके चक्कर में ना मैं कुछ दिनों से अपनी वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे घर में पापा छत पे आता हूँ वीडियो एडिट करने इतनी तेज हवा चलती है ना कि माइक में ना मेरी आवाज़ से ज़्यादा हवा घुस जाती है तो उसमें भी ना किसी को सामने वाले को आवाज़ समझ नहीं आती देखो कपड़े देख रहे तेज फड़फड़ा रहे यार क्या करूँ मैं भगवान भी चाहते हैं कि मैं कुछ दिन ना अपना यूट्यूब जर्नी मतलब अपनी यूट्यूब का काम ना रोक दूँ बट ना भैया एक बार हमने स्टार्ट कर दिया तो बंद नहीं करेंगे उसे करेंगे धीरे धीरे करेंगे पर करते रहेंगे और शाम के टाइम ना छत पे बच्चे भी आ जाते हैं पर कंचे पंचे खेलते मतलब खेलते रहते हैं ना कुछ तो इतना आवाज़ करता ना परेशान हो जाता हूँ फिर कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ और तो कोई मेरे पास टाइम है नहीं मेरे और कोई मेरे को जगह है नहीं बस छत पे कमरा है कमरे में कोई रहता है फैमिली का तो उनके सामने तो मैं करता ही नहीं है सब फिर छत पे आता हूँ तो यहाँ पे बच्चे मिल जाते हैं तो चलो ठीक है कोई नहीं तो छोड़ देता हूँ मेरे को बच्चे मन के सच्चे भगवान का रूप होते हैं और सबसे अच्छी बात तो आज के हमारा पेपर ख़त्म हो गया और मैं अभी आ रहा हूँ मस्त सो के पेपर देखो पता पेपर दे के आया था वहाँ पे हमने पराठे वराठे खा लिए थे और उसके बाद फिर मस्त मेरा पेट भर जाना तो नींद आती बड़ी तगड़ी वाली फिर धूप में आए थे फिर नींद आती सो गया था और सो के और ना मैंने एक चीज़ देखा कि अगर कोई इंसान सो के उठे ना तो उसका चेहरा खिलता है क्या बोलते हो हाँ यार अब तुम तारीफ नहीं करोगे तो अपनी तारीफ मुझे खुद ही करनी पड़ेगी ना तो गाइस आज से हमारे पेपर ख़त्म आज से तुम्हारा भाई फिफ्थ से पहुंच गया सिक्स सेमेस्टर में और अब जो हमारे मन में ना इतना सा जो टेंशन था ना इतना सा क्या ही था मतलब हाँ चलो था पेपर में चल रहा था वैसे था नहीं बट था तब भी था तो अब वो भी एकदम से ख़त्म तो अब सब तुम्हारा भाई पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट करेगा अपने यूट्यूब पे और आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट देता रहेगा आपको एंटरटेन करता रहेगा तो बस आप जल्दी से आप अपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें दबा के करें डेली करें और क्या हाँ और आज से नहीं जब हमारा अगला पेपर अगला सेमेस्टर स्टार्ट है 22 तारीख से ना ये वाली वीडियो पोस्ट हो जाएगी अगर हो गई तो अच्छी बात है तो एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाएगा देख लेना मैनेज कर लेना और उसके बाद से ना भाई तुम्हें इतने तगड़े तगड़े कंटेंट देखने को मिलेंगे ना कि क्या ही बोलूँ मुझे खुद नहीं पता मैं कितने तगड़े कंटेंट दे दूँगा तो यार एक टाइम बहुत ही धूप आ रही है हाँ तो इतना तगड़ा कंटेंट आएगा ना कि यार क्या ही बताऊँ आप सब्सक्राइब का बटन दबा ही दो बस इतना ही कहूँगा उसके बाद आप खुद देख लेना क्या होगा क्या नहीं होगा तो अपने वाला ब्लॉग रखते हैं यहीं तक और मस्त चलता हूँ अपनी शाम की वीडियो एडिट करने सॉरी मिनी ब्लॉग एडिट करने तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में जब तक बाय हैव अ गुड डे चलो गाइस चलो 12:30 बज गए 12:30 बज गए